स्वच्छता के मिसाल बनी सी ब्रिज और आर्मी कॉलोनी, नवी मुंबई मनपा की रैंकिंग में जीता स्वच्छता पुरस्कार। कहते हैं कि अगर किसी काम को मिशन बना दिया जाए तो मिसाल कायम हो ही जाती है। नेरुल और बेलापुर की दो हाउसिंग सोसाइटियों ने स्वच्छ भारत अभियान में कुछ ऐसा कर दिखाया है कि नवी मुंबई मनपा को उन्हें शहर की सबसे स्वच्छ और खूबसूरत सोसाइटी का पुरस्कार देना पड़ा है। पहली सोसाइटी बेलापुर सेक्टर 19 की सी ब्रिज है, जिसने स्वच्छता रैंकिंग में पहला पुरस्कार जीता है, जबकि नेरुल की आर्मी कॉलोनी ने दूसरा क्रमांक हासिल किया है। नवी मुंबई के हजारों इमारतों के बीच साफ सुथरी और स्वच्छ सोसाइटी का पुरस्कार जीतने पर सानी नगर सेविका मीरा पाटिल ने बधाई दी और आर्मी कॉलोनी के पदाधिकारियों की भूमिका की सराहना की। वहीं सोसाइटी पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आर्मी कॉलोनी रहवासी फार शिस्तप्रिय है आणि म्हणूनच त्यांना हा पुरस्कार मिळालेला आहे, कारण त्यांनी आपले डी कंपोस्टिंगचं सुद्धा महत्त्व जाणून आपल्या सोसायटीमध्येच त्यांनी ते वर्गीकरणाचं प्रकल्प अवलंबला आहे आणि तो फारच सुंदर प्रकल्प आहे। आपले महानगरपालिकेचे अधिकारी कर्मचारी सुद्धा वेळोवेळी त्यांना याच्या बाबतीत सहकार्य केले जातात आणि म्हणूनच त्यांना आज पुरस्कार लाभलेला आहे, फारच आनंदाची गोष्ट आहे। मी अदोरे असं सर्वांना आवाहन म्हणजे विनंती करते, आपल्या देशामध्ये आपल्या नवी मुंबईचा मान उंचावावा म्हणून सर्व रहिवाशांना हीच विनंती आहे की आपण स्वच्छता पाला। आपल्या प्रत्येक घरोघरी जर आपण आपली जबाबदारी घेऊन स्वच्छता पाली तर पूर्ण प्रभाग, सर्व सोसायटी प्रभाग आणि पूर्ण नवी मुंबई स्वच्छ होण्यात वेळ लागणार नाही आणि नक्कीच आपला पहिला नंबर येईल। हमें खुशी है कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो कार्यवाही हम लोगों ने लिया हुआ है उसको कदर करते हुए उसको एक रिकग्निशन देते हुए द्वितीय पुरस्कार दिया हुआ है। और वेट गार्बेज यानी कि गीला जो गार्बेज घर से निकलता है उसका परिष्करण करके देन उसको एक खाद का रूप में परिवर्तन करने के जो कार्यवापी हम लोगों ने कर रहे हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं कि वर्मी कल्चर, उसको भी ये काम को भी एक रिकग्निशन देते हुए उसको भी तीसरा पुरस्कार दिया हुआ है। एक अच्छा और स्वच्छ कॉलोनी को पेश करने के लिए कोशिश किया। हमें खुशी होता है कि ये सबके साथ में इसको बांटने के लिए। बताना जरूरी है कि नवी मुंबई में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जिसमें इन सोसाइटियों ने स्वच्छता, सफाई, हरियाली और घन कचरा व्यवस्थापन एवं सामाजिक सहभागिता के जरिए यह सफलता हासिल की है,
जो दूसरी सोसाइटियों के लिए अब प्रेरणादायी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।